जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। विवान, तुम घर आ गए क्या बेटा? अब हाँ हाँ आंटी, वो घर आ गया। वो एक्चुअली ना अभी सो रहा है। सो रहा है? और कितना सोएगा? अरे आंटी, वो सुबह पाक गया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, अरे लेकिन इतनी मोटी रजाई क्यों ओढ़ी हुई है इतनी गर्मी में इसने? कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई है? नहीं आंटी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो अकी डांट से डर रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं आप उसे छड़ी से ना मार दो, इसीलिए मोटा ब्लैंकेट लेके सो रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने इसे कभी छड़ी से नहीं मारा है। इसीलिए तो आंटी, छड़ी से मार खाने का इतना डर है उसके अंदर। और वैसे भी आंटी, मार खाने वाले बच्चे तो इतने जिद्दी हो जाते हैं। आंटी इसीलिए आई सजेस्ट यू, आपको अभी ना उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, तुम चाय पियोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे एक घंटे तक आपको विवान के पास जाने से रोकना है। मैं लेकर आती हूँ। ओके आंटी। रिंकू, बस मैं नहीं कर सकता बस। अरे रिंकू प्लीज, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी देर और लेटना है प्लीज। मैं थोड़ी देर भी इस ब्लैंकेट में रहूंगा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। प्लीज थोड़ी थिन ब्लैंकेट अरेंज करो ना। रिंकू, अगर मैंने तुम्हें इससे थिन ब्लैंकेट दी ना तो आंटी को डाउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी देर और भी रहना तो मेरा ब्रेन मेल्ट होके मेरी नोज आउट हो जाएगा। और ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया ना तो मुझे डिहाइड्रेशन, कलवेशन और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अरे अरे नहीं नहीं रिंकू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन कर देती हूं। प्लीज प्लीज अभी सो जाओ। दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि विवान है कहां? विवान यहां है और तुम भी यही हो बालवीर, मेरी दुनिया में। और वैसे भी तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे, उसके बाद नहीं। इसलिए मुद्दे से भटको मत। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन खून देने से पहले मैं विवान से बात करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं। विवान, 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 तुम ठीक हो ना? विवान, ये सब तुमने क्यों किया? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझे बता दिया होता। हाँ हाँ, जैसे आप तो हर चीज मुझे बता कर करते हो, छोटे तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। विवान, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, ये सब देवू भैया, ये सिरिंज आपके हाथ में? हाँ विवान, इन लोगों को जो चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या? भैया रुके, भैया रुकी प्लीज।
यार मैंने यहाँ आने से पहले फल को खाकर अपने खून को बेअसर कर दिया था, लेकिन आप यहाँ ऐसे ही चले आए। मैं जानता हूँ विवान, लेकिन अगर मैं भी वो फल खा लेता तो तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मेरा खून भी बेअसर हो जाता, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। ये लीजिए आपका खून। तुम दोनों को क्या लगता है मैं एक ही धोखा दो बार खा सकती हूं? अगर तुम्हारे खून का रंग भी विवान के खून के रंग की तरह बदल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा बालवीर। यही मौका है विवान को बचाने का, जब तक ये अपने काम में उलझी हुई है। ऐसे नहीं मानेंगे स्मार्ट इवेंट्स। चलो विवान। मिलावट नहीं है। विवान लंबी सांस लो, अच्छे से ब्रीथ करो, ओके? लंबी सांस। अरे विवान क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना आंटी, सुबह ठंडी हवा लग गई उसे, इसीलिए थोड़ी सर्दी हो गई है, स्टीम ले रहा है, बस ठीक हो जाएगा। अरे 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 ये पर इसने पूरी बॉडी क्यों ढक रखी है? स्टीम ले रहा है, स्टीम बात ले रहा है ये। वो आंटी ये नया मेथड है, इस मेथड की वजह से पूरी बॉडी के स्वेट के साथ साथ सर्दी भी चली जाती है। विवान तू ठीक है ना बेटा? बोलूंगा तो फंसूंगा, नहीं बोलूंगा तो भी फंसूंगा, इसे कहते हैं माँ की दिलेमा, क्या करूं? नहीं आंटी, अब वो आंटी मैंने ना आज यूट्यूब पे सर्दी कम करने के लिए एक रेसिपी देखी है, थेरेपी देखी है। अदरक तुलसी का काढ़ा पीने से ना सर्दी कम हो जाती है, तो आप इसके लिए बना दीजिए। हाँ सही है, मैं लेकर आती हूँ। माफीज लो, अगर कुछ बुरा होना ही है तो वो होकर ही रहेगा। हम महल से दोबारा आ गए, यहाँ तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, चिंका से बाहर कैसे जाएंगे? तैर कर जाएंगे और कैसे जाएंगे छोटे भैया।
छोटे भी है। यहाँ तो आपका नाटक देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो फिर आप मुझे छोटे भैया क्यों बुला रहे हैं? विवान, मतलब तुम मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करोगे। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी सच नहीं छुपाऊंगा। विवान, एक्टिंग करने से मैं आपको माफ नहीं कर दूंगा। भैया भैया भैया, आप डिग गए ना भैया? ये क्या हो रहा है आपको? तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे। मेरे मां ने कहा था मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है। भैया विगन, मैं कुछ करता हूँ। विवान, विवान, 20 सालों में ये अंडा सिर्फ एक बार खुलता है बालवीर। अगर विवान को तुम इसमें से बाहर निकालना चाहते हो तो अपना खून हमें दे दो, वरना रहने दो अपने भाई को इसमें बंद 20 सालों तक। अब समय नहीं है तुम्हारे पास बालवीर, फैसला कर लो, तुम्हें तुम्हारा खून प्यारा है या विवान? मैं कायरों के साथ सौदा नहीं करता। शिकार को जाने नहीं दे सकते, हमें इसे रोकना होगा। चिल मिस्टर बी, मैंने आप ही से सीखा है कि जब प्लान ए पर एक्शन ले रहे हो तो प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, और मेरा प्लान बी है वो गोला जिसमें विवान ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। टूट क्यों नहीं रहा है? भैया देख लिया ना, आपकी मिस्टेक की वजह से मैं चूजे की तरह इस अंडे में फंस चुका हूँ। मेरी गलती? अरे मुझसे पूछे बिना तुम वहां पे रक्तदान करने के लिए चले गए, उसमें मेरी गलती? हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताता ना तो आप मुझे पीछे करके खुद चले आते, शो ऑफ कर रहे हैं। विवान तुम मेरे छोटे भाई, और तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है, इसे तुम दिखावा समझते हो तो दिखावा ही सही। भैया अगर एक बालवीर दूसरे बालवीर की रक्षा करने लगेगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा? आ! 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 आ!
ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा है? विवान, गुस्सा मत करो। इस गोले से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक काम करते हैं, तुम अंदर से अपने हथियार से हमला करो, मैं बाहर से हमला करता हूँ, शायद ये टूट जाए। राइट। मैं गिनती करता हूँ और आप क्यों काउंट करोगे? मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, तुम गिनती करो। रेडी, वन टू थ्री। टूटना तो दूर, इस गोले में दरार तक नहीं पड़ी। भैया, आपके लिए एक और घुटनी हो जाए। क्या विवान? अंदर की हवा के कारण मुझे चक्कर आ रहे और मुझे वीकनेस फील हो। विवान, 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 मुझसे बातें करो। विवान, विवान, तुम ठीक हो ना? विवान, उस अंडे पे मैंने एक परत लगा दी जिसका असर 12 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद उसे 20 सालों तक कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। और अगर इन 12 घंटे में बालवीर ने एक प्लान सी बनाकर तुम्हारे प्लान बी को चौपट कर दिया तो? डोंट वरी मिस्टर वी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगले 12 घंटों तक मैं बालवीर का फोकस इतना डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा कि वो प्लान तो क्या, अपने नाम की स्पेलिंग तक भूल जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों शागिर्द इतना आगे की सोच कर चाल चल रहे। काढ़ा तैयार है विवान, ये ले। अरे ये क्या, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अब आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ विवान बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो विवान ने मुझे सुबह बोला था, वो अनन्या तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे मैंने जीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो तुमसे। विवान, अरे विवान, अरे करुणा जी जरा विवान को बुला दीजिए ना। विवान, सुतली को सुतली की साइज की बुक वापस चाहिए। इनको भी अभी टपकना था। विवान, अरे करो ना भाई, जल्दी से विवान को बुलाओ ना, गोपू का फोन आया, वो गोपू को ना विवान से बात करनी है। हाँ हाँ, हाँ ला। ओ नो। नमस्कार करुणा जी। विवान ने जरा फटाफट बोलवा ना, मुंबई पुलिस के ऊपर उसको निबंध लिखना है, उसके लिए उसने मेरी मदद मांगी थी। वॉट इज दिस, विवान ना हुआ, सलमान की मूवी का मैटनी टिकट हो गया, सारे के सारे लोग एक ही साथ टपक पड़े हैं, अब क्या करूं? अरे जल्दी बुलाओ ना विवान को, अरे मेरा बिल बढ़ रहा है इधर। विवान, एक मिनट आंटी, आंटी आंटी एक मिनट। अरे विवान, मेरा दूध चढ़ा है बेटा गैस पे, जल्दी दे। एक मिनट, एक मिनट। अरे एक घंटे के बाद तो मुझे भी दूध पीने जाना है। क्या? पुलिस ड्यूटी पे जाना है। बोलो ना विवान। साइलेंस। विवान अंदर है, अरे देवू तुम ये क्या ले आए, इतना बड़ा कहाँ से उठा के लाए हैं? कौन है तुझे? ये कहाँ से उठा कर लाया एंटिक पीस? ये कहीं डायनासोर का अंडा तो नहीं? अरे
अरे चिंटू, ये डायनासोर का अंडा नहीं है। डायनासोर तो 65 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो फिर ये गोला है क्या? अरे ये एक्चुअली एक साइंस प्रोजेक्ट है। ये रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज किए सोलर पावर से रोशनी देता है। अरे वाह देबू, तो फिर एक काम करने, ऐसे एक डजन गोले मेरे लिए भी बनवा लियो। ओके ना, बिजली का बिल कम आएगा ने, है ना? मेरे लिए ना, मेरे लिए भी आधा डजन लेके आना। अरे अरे, सबके लिए बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे काम चल रहा है ना, पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ। और माँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विवान मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए हाँ आंटी, इसीलिए तो विवान रूम से बाहर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना आंटी, ये टॉप सीक्रेट है ना डब्बू? यस ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है देबू, तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माफ कीजिएगा मुझे आपसे सच छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा विवान खतरे में है।